महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। मिश्रा ने कहा कि वो लोग अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे जो कहते थे कि सावरकर को जिस दिन भारत रत्न मिलेगा वह दिन काला दिन होगा। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने सावरकर जी को भी भारत रत्न मिले इस पर भी अपनी मोहर लगाई है। कांग्रेस अगर झाबुआ जीत भी जाएगी तो भी मध्य प्रदेश में उसकी सरकार अल्पमत में ही रहेगी। महाराष्ट्र के चुनाव देखकर ऐसा लग रहा है कि वो लोग अब चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बचे जो लोग कहते थे कि सावरकर को भारत रत्न मिलेगा तो वो दिन काला दिन होगा। महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने सावरकर जी को भारत रत्न मिले इस बात पर भी मोहर लगाई है। देखिए, हम पहले से कह रहे हैं कि झाड़ुआ परंपरागत कांग्रेस की सीट है। जब हमने लोकसभा जीती तब भी वो सीट विधानसभा में कांग्रेस ही जीती थी, लेकिन हमारे भानु भूरिया बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी परिणामों में समय है। तो इसमें क्या लगने वाली बात है, अभी भी बहुमत तो है नहीं उनका, 115 टच करने के बाद ही बहुमत तो है नहीं, अल्पमत की सरकार तो अल्पमत की रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। अरे 55 साल में तुम जो नहीं कर पाए पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को अपने पीआर को छोड़ नहीं सकते।